तो जिस तरह का वजनदार ये प्लेट है, प्लेट में वजन देखने में छोटा लग रहा है बट वजन बहुत ज्यादा है, तो चिकन बटर चिकन भी इसी तरह वजनदार होना चाहिए ना। ना खाओ पूरा खाओ, मुंह में डाले एक बार डालो मुंह में। अरे खोलो खोलो खोलो, अरे खोलो तो सही। जू से हम लोग आ गए थे शाम को 5:30 के लगभग, और थोड़ा देर रेस्ट करके और चाउमीन वाउमीन मंगवाया था, चाउमीन वाउमीन खाकर अभी हम लोग जा रहे हैं एलांटे मॉल जो हमारे पास में ही है होटल के। तो मॉल में देखेंगे क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट हो रहा है और आप लोगों को भी दिखाते हैं, चलिए। और डिनर भी करते हुए आएंगे मॉल से ना बाबू। यस, शाम के बज रहे हैं 7, हम लोग पहुँच चुके हैं एलांटे मॉल और यहाँ पे लगी हुई है भीड़। माय गॉड कितनी भीड़ है यहाँ पे। किस साइड बोलो, फ्रांस से चलते हैं ना वहाँ से। तो हम लोग आ चुके हैं एलांटे मॉल पे, आज हम लोग 25 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं, है ना। Yes. लास्ट टाइम हम लोग कोलकाता में सेलिब्रेट किए थे एक चर्च में जाकर, लास्ट के लास्ट। इस बार हम लोग चंडीगढ़ में, क्या मजेदार है, मतलब हर साल अलग अलग जगह पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आज हम लोग चंडीगढ़ के एलांटे मॉल पे आए क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ है, एक्चुअली आज क्रिसमस है ना इसलिए और ज्यादा भीड़ है। छुट्टियाँ है, कल भी छुट्टियाँ है, कल संडे है। माय गॉड, हाँ भीड़ देखो भीड़, ये मॉल है मेहनत। तो जबरदस्त वाली भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, जगह नहीं है बिल्कुल भी। चारों तरफ पब्लिक भरी पड़ी है, चारों तरफ पब्लिक, मतलब जगह नहीं है, लग रहा है चारों तरफ मॉल खचा खच फुल है, मतलब मॉल नहीं लग रहा है, रेलवे स्टेशन की तरह लग रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ अंदर, जैसे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो में भीड़ होती है बिल्कुल उस तरीके से भीड़, एस्केलेटर भरे हुए, अच्छी भरे हुए, तो अंदर से भाग के हम लोग बाहर आ गए भाई मॉल के अंदर। मेट्रो आती है तो ऑफिस टाइम होता है, तो चल रहे हैं और उतर रहे हैं, बाहर निकल गए। डिनर करके होटल में जाए, देखते हैं डिनर कहाँ किया जाए, यहाँ पे रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा या ढाबा कोई बढ़िया मिले जो फेमस है, मुझे तो पता नहीं है, गूगल पे सर्च करता हूँ यहाँ का ढाबा कौन है आसपास बढ़िया। तो मॉल से भाग के हम लोग पहुंचे हैं पाल ढाबा, क्योंकि खाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो हम सोचा कौन सी जगह पर खाया जाए, तो पता चला कि पाल ढाबा चंडीगढ़ का बहुत ही फेमस ढाबा है, तो 1960 से यहाँ ओरिजिनेट 1960। तो अभी पाल ढाबा का फूड को एंजॉय करते हैं और देखते हैं क्या अच्छा है, नॉनवेज अच्छा है यहाँ का, तो आज नॉनवेज खाएंगे दवा करके, है ना। तो चलिए चलते हैं पाल ढाबा में, खाते हैं हम लोग। जगह ले लिए, वेलकम बैक टू एमएल लाइफ, और एमएल लाइफ पहुंच गया आज पाल ढाबा, तो एंजॉय करना। एलांटे मॉल से भागे, इतना भीड़ दरवाजे भागे हम लोग पाल ढाबा पे आके रुके, अब यहाँ पे लग रहा है कुछ रिलैक्स होंगे हम लोग खा के, मगर ये ओपन में है और ठंडिया रात है, अंदर है अंदर खाए कि बाहर खाए, बाहर ही खाते हैं, बाहर ही खुले में खाते हैं, बढ़ेंगी तो सर्दी, अरे ठंडी रात पड़ेगी तो ठंडी पड़ेगी। ये पाल ढाबा का मेनू मेरे सामने रखा हुआ है, करी मीट 200 का हाफ है, 385 का फुल है, यहाँ का फेमस क्या है इसे पूछना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए भेज में क्या लीजिएगा, क्योंकि पनीर का कोई ना कोई आइटम मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें तो जगह बहुत अच्छा मिल गया है नॉनवेज वाला, तो थोड़ा नॉनवेज खाएंगे हम लोग, है ना वेदिका।
क्या खाओगी? वेज या नॉन वेज? चिकन नहीं खाओगी? खाऊंगी। तुम क्या खाओगे? नॉन वेज। सुना कि बटर चिकन बहुत फेमस है पाल ढाबा में, तो हमने बटर चिकन ऑर्डर किया है और मुंह से पानी निकलना शुरू हो गया, पता नहीं कितना टेस्टी होगा। आप अभी चंडीगढ़ के बटर चिकन का टेस्ट देखते हैं कैसा है, जायका है ना, बताते हैं आप लोगों कैसा है। तो जिस तरह का वजनदार ये प्लेट है, प्लेट में वजन देखने में छोटा लग रहा है बट वजन बहुत ज़्यादा है, तो चिकन बटर चिकन भी इसी तरह वजनदार होना चाहिए, है ना। तो हम लोग का खाना आ चुका है, ये है बटर चिकन। खाना देख करके मैं भूल गया कि वीडियो भी करना है, फिर याद आ रहा वीडियो करना है। प्लेट तक आ चुका था, ये बटर चिकन है, छह पीस दिया है, 355 रुपये का जो हाफ प्लेट है, तो देखने में ठीक लग रहा है और टेस्ट भी ठीक है। ये देखिए बटर चिकन, देखिए बढ़िया है और टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं खराब है। और ये रोटी है, रोटी बढ़िया है, सॉफ्ट है, पंजाब में तंदूरी रोटी बढ़िया यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। और ये देखिए चावल दिया, चावल की क्वांटिटी भी सही है। तो और ये भी देखा चाउमीन भी खा रही है, तो चाउमीन भी बढ़िया है और ओवरऑल टेस्ट ठीक, मतलब यहाँ आकर के हम अच्छा खा सकते हैं, खाने को इंजॉय कर सकते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। तो खाना अभी हम लोग टेस्ट कर रहे थे और टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, और वेदिका तो शुरू हो चुकी है, उसको बिल्कुल टाइम नहीं है बात करने का, और वेदराज भी शुरू हो गया। वेदराज कैसा लग रहा है? अभी हम लोग भी खाने पे टूटने वाले, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया तो बहुत तेज भूख लग गई है। ये सारा है मीठा, मीठा है ना, ये लो मीठा पान, कैसा लगा बताओ? मतलब इतना दबा के खाने के बाद ये पान, मैं एक बार में नहीं खाऊंगी। खा जाओ नहीं खाओ रसगुल्ला, ये पान थोड़ी है, ये जो भी है। अच्छा खाओ, पूरा खाओ, मुँह में डाले, एक बार डालो मुँह में, मुँह भी नहीं है। अरे खोलो खोलो खोलो, अरे खोलो तो सही, हाँ ये अब ठीक हुआ, अब ठीक हुआ, अब ठीक हुआ। अब दूध पी लो, एक गिलास दूध, हाँ भाई मेरे लिए भी पान दे दीजिए। ये कौन सा पान है? चॉकलेट पान, दिखाइए दिखाइए, चॉकलेट पान दिखाइए, ये इधर है, ये चॉकलेट पान है। दवा के खाने के बाद हम लोग पान खा रहे हैं, और कैसा लगा पान? बढ़िया था। और लेगी तुम भी खाओगे बाबू, तुम भी खाओगे, सोच रहे हो तो खा लो। और बाबू भी ले चुका है पान मीठा वाला, इसको बस चबा के खा जा रहा है, कुछ निकलेगा नहीं। और आप भी, आपका पान कैसा है? थोड़ा आपका पान कैसा है? राजेश चॉकलेट पान कैसा था? बहुत ही बढ़िया, खाना खाने के बाद चॉकलेट पान खा गया। और निष्ठा देवी कौन सा पान? सिंपल पान। अरे ये कोई मलाई वाला भी टेस्ट करके बता दो। तो भैया भोजन हो गया बढ़िया और पान हो गया, अब आने लगी नींद, चलते हैं होटल और सोते हैं। अम्मा कल सुबह उठेंगे, नया ब्लॉग बनाएंगे, नई सुबह नया स्टार्टिंग, चलते हैं होटल। तो हम लोग होटल में आ गए हैं और अभी रूम में जा रहे हैं, अभी रिसेप्शन पे थोड़ा बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो हम लोग अब कमरे में आ चुके हैं, अब सोते हैं, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल मॉर्निंग से फिर एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग होगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय।